आज से चार दिन बाद यानी कि 22 जुलाई से बजट सत्र की शुरुआत होगी और उसके ठीक अगले दिन यानी कि 23 जुलाई को केंद्र की मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी। इस बजट से जितनी उम्मीदें देश की जनता को है उससे ज्यादा केंद्र की सरकार में सहयोगी राजनीतिक दलों को है, क्योंकि उन्हें अपने प्रदेश की सरकार भी वायदों के हिसाब से चलानी है और इसके लिए स्पेशल पैकेज से लेकर के फंड तक सब कुछ केंद्र से चाहिए होगा। और यही वजह है कि बजट से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। खबरों की माने तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से राज्य के लिए स्पेशल पैकेज की मांग कर डाली है। बजट से पहले नायडू और शाह की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा कि मैंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से मुलाकात की और उन्हें पिछले 5 वर्षों में आंध्र प्रदेश की वित्त की विनाशकारी स्थिति से अवगत करवाया है। सीएम नायडू ने आगे लिखा कि मैंने जारी किए गए 4 श्वेत पत्रों के निष्कर्षों पर भी चर्चा की है, जिसमें वित्त वर्ष 19 से 24 के बीच जमा हुए चौंकाने वाले कर्ज का जिक्र था। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पिछली सरकार की तरफ से आर्थिक अक्षमता, घोर कुप्रबंधन और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार ने राज्य को बड़ा नुकसान पहुंचाया। सीएम नायडू ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा है कि लोगों की तरफ से एनडीए को दिए गए जनादेश का सम्मान करते हुए केंद्र और राज्य सरकारें एक व्यापक रिकवरी योजना तैयार करेगी और हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जाएगा। हम मिलकर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हैं। जो आकांक्षाएं उनकी है उसको हम पूरा करने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उन्होंने किया है। देखिए, पिछले 15 दिनों में चंद्रबाबू नायडू की ये दूसरी दिल्ली यात्रा है। इससे पहले 4 जुलाई को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उनके सामने आंध्र प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ 7 सूत्री एजेंडा भी पेश किया, जिसका उद्देश्य था विभाजन के बाद राज्य के सामने आई चुनौतियों का समाधान करना। आंध्र प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में राज्य पर उसके जीडीपी का 31.02% कर्ज था, जो 2023-24 में बढ़कर के हुआ 33.32%। ये पिछले 5 वर्षों में आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गिरावट का संकेत देता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को दिल्ली में आधिकारिक आवास मिल गया है। एक जनपद पर अपने सरकारी आवास में चंद्रबाबू नायडू ने पूजा पाठ के साथ प्रवेश भी किया। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू को वही आवास मिला है जिसमें पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी रह रहे थे। आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की है और खास बात यह रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि 2019 से 2024 के बीच में जगनमोहन रेड्डी सरकार ने वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से चौपट कर दिया है, इसलिए आंध्र को जरूरत है कि स्पेशल पैकेज दिया जाए। केंद्र सरकार अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से स्टेप उठाती है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय से पहले उनकी चर्चा हो चुकी है और अब अमित शाह से मुलाकात निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश को कुछ बेहतर दिया जा सकता है। और क्योंकि बजट सत्र शुरू होने वाला है उससे पहले ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दूसरी बात ये है कि अब एन चंद्रबाबू नायडू को दिल्ली में आवास भी मिल चुका है। ये एक जनपथ रोड है और इस निवास को पहले जगनमोहन रेड्डी को दिया गया था, जो कि अब चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर आंध्र प्रदेश में सीएम हो चुके हैं, तो दिल्ली में उनको निवास ये मिल चुका है और इस निवास में उन्होंने पूजा अर्चना की है और विधिवत रूप से अपने आप को यहाँ पर शिफ्ट कर लिया गया है। ये जगनमोहन रेड्डी का निवास हुआ करता था, अब केंद्र सरकार ने एन चंद्रबाबू नायडू। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाद बिहार की जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी इसी तरह की मांग केंद्र के सामने रखी है। उन्होंने आगामी बजट में बिहार के लिए ज्यादा धन आवंटन की मांग करते हुए सीतारमण से मुलाकात की थी। इस पूरे मामले पर जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष बीके सिंह का कहना है कि सरकार गंभीर है और केंद्र से लगातार बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग कर रही है। जबकि हमारे जदयू और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जब से सत्ता में आए हैं लगातार इनका प्रयास है कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग है वो लगातार करते रहें और जदयू भी अपने विभिन्न माध्यमों से आंदोलन से विभिन्न माध्यमों से केंद्र तक यह बात पहुंचाती रही और हम लोग आज भी उतने ही गंभीर हैं और इसका सबूत यह है कि आज भी अगर हम लोग सरकार में गए हैं और सरकार बनाने में जो हम लोग की सहायता हुई है उसमें हम लोग का प्रथम जो डिमांड था प्रथम जो हम लोग की मांग थी
वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के हित। वही बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का कहना है कि केंद्र सरकार से उम्मीद है कि बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को केंद्र सरकार विशेष मदद करेगी। कुछ ऐसे राज्य हैं जो विकास की गति में किन्हीं कारणों से थोड़े पीछे छूट गए, मसलन आंध्र प्रदेश, बिहार। ऐसे राज्यों को बाकी राज्यों के साथ विकास की गति में कदम ताल करने के लिए विशेष मदद की जरूरत है और केंद्र सरकार से ऐसी उम्मीद है कि बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को केंद्र सरकार विशेष मदद करेगी। बिहार को भी ऐसा ही करना है। हम भी केंद्र से विशेष मदद मांग रहे हैं, विशेष पैकेज मांग रहे हैं, जिससे कि बिहार अब पिछड़े राज्यों की गिनती में न रहते हुए विकसित राज्यों की गिनती में आ जाए। पूरे मामले पर बिहार में विपक्ष भी सरकार पर सवाल उठा रहा है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि चुनाव से पहले तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष पैकेज दिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो आखिर चुप क्यों हो गए? बिहार में जो एनडीए के नाम पर इन लोगों ने कवायद की है, उस कवायद को अब जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दोनों दल अपने अपने संगठन में परिवर्तन के प्रति सोच और विचार कर रहे हैं, ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन सबको समझ लेना चाहिए कि अब बिहार की जनता, बिहार के लोग ना तो नीतीश जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास कर रहे हैं। इसी कारण से एनडीए के खेमे में बेचैनी और बौखलाहट है और इसी बेचैनी बौखलाहट में वो अपने संगठन में परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। मतलब बजट से पहले चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार केंद्र सरकार से अपने अपने राज्य के लिए विशेष पैकेज लेने के लिए जी जान से इस समय जुटे हुए हैं। यही बात कुल मिलाकर के सामने इस समय आ रही है।